नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम किसानों की, एमएसपी को लेकर उनका जो आंदोलन चल रहा था, आखिरकार किसानों की मांगों को मान लिया गया है और हफ्ते भर से चल रहा यह आंदोलन कल रात को खत्म हो गया। राकेश टिकैत ने धरना खत्म होने का ऐलान किया। सूरजमुखी पर एमएसपी को लेकर किसान यहां पर लगातार धरना दे रहे थे। किसानों से वादा किया गया है कि उनके ऊपर लगे सभी केस भी वापस ले लिए जाएंगे। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे, जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। आंदोलन खत्म कर दिया, आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे किसान का, जो पटाखे नाच गाना NH 44 पर जो ट्रैफिक से भरा रहता है, आज के दिन पटाखे नाच और गाना देख रहा है, क्योंकि किसानों की जो मांग थी कि उनको सूरजमुखी के बीज का एमएसपी मिले जो कि 6400 रुपए क्विंटल है, वो पूरी हो गई। और साथ ही साथ जो भी किसान नेता अरेस्ट हुए थे उनकी रिहाई हो गई, हरियाणा सरकार ने मान ली है उनकी मांगे, ये उनकी मांगे पूरी हो गई है। किसान इसको अपनी एक जीत की तरह देख सकते हैं। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, नाच गाना है, किसानों की भीड़ है, यहाँ पर काफी नाच गाना चल रहा है, किसान खूब जश्न मना रहे हैं अपनी इस जीत का। और वो कह रहे हैं कि ये वो उसको एक अपनी जीत की तरह देख रहे हैं और कह रहे हैं अगर सरकार बात नहीं अपनी बातों पे, अपने वादे पे खड़े नहीं उतरती तो वो इस धरने पर वापस आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं पटाखे नाच गाना जश्न का माहौल है, सारे किसान नेता उनके समर्थक किसान, काफी नाच गाना चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर पिछले दो दिन से प्रदर्शन कर रहे थे NH 44 पर जो कि पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या उनकी उनकी जो फसल है वो 6400 रुपए में खरीदी जाएगी या जो भावांतर है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। पर फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने खुद यहाँ पर आकर आश्वासन दिया है कि उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यानी कि 6400 रुपए वो उनको पूरा का पूरा मिलेगा। कुरुक्षेत्र में कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV इंडिया। और बात करते हैं पहलवान खिलाड़ियों से जुड़े मामले की। सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक पहलवानों के केस के संबंध में जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है। 48 घंटे के भीतर ये चार्जशीट दाखिल हो सकती है, आज या फिर कल, बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ये चार्जशीट फाइल की जा सकती है। इससे पहले पहलवानों ने इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात हो चुकी है। खेल मंत्री ने पहलवानों की मांगों से सहमति जताई थी और जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करने की बात कही थी। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी इस पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया था। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ने राज्य के अलग अलग अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया जिसमें कि शीर्षक दिया है भारत के लिए मोदी, महाराष्ट्र के लिए शिंदे। इसमें छपे सर्वे में सीएम एकनाथ शिंदे को भाजपा के देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा तरजीह दी गई है। विपक्ष ने इस सर्वे की खिल्ली उड़ाई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये शिंदे और फडणवीस गठबंधन में दरार के संकेत हैं। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। महाराष्ट्र के प्रमुख अखबारों के पहले पेज पर शिवसेना के इस विज्ञापन ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। एक सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष ने इस सर्वे की खिल्ली उड़ाई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या फडणवीस को साइडलाइन करने की कोशिश है। अबे सर्वे कहां से किया? क्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सर्वे किया है इसे? क्या गुजरात में जाकर सर्वे किया है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन है, आप अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री समझते हो या बोलते हो?
लेकिन बाला साहब ठाकरे का उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जिक्र तक नहीं, फोटो तक नहीं है, सिर्फ मोदी और शिंदे जी का फोटो। इसका मतलब ये है जो शिवसेना चल रही है वो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी की शिवसेना। आज ये साफ हो गया। देवेंद्र जी, हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई जरूर है, लेकिन हमें दुख हो रहा है ये सब देख के कि आपने 2019 में यह कहा था कि कोई ढाई ढाई साल की बात नहीं हुई थी, मैं पूरा 5 साल मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूं, और आप देखिए यहां पर ये तो पूरी जिंदगी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो आपके हाथ क्या लगा? हम 30 साल आपके साथ रहे, आप हमें समझ नहीं पाए। ये तो 11 महीने में आपके साथ आपको क्या समझवाना चाहते हैं, देश की जनता और राज्य की जनता आपसे समझना चाहती है। फिर भी हमारी संवेदना आपके साथ है देवेंद्र जी। सर्वे में दावा किया गया है कि 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को पसंद करते हैं। इस सर्वे में शिंदे की लोकप्रियता देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा दिखाई गई है। फडणवीस को 23.2% जनता की पसंद बताया गया है। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई है, तो शिंदे की पार्टी को 16.2% लोग पसंद करते हैं और दोनों के गठबंधन को 46.4% लोगों की पसंद बताया गया है। इस विज्ञापन की हेडिंग दी गई है, राष्ट्र में पीएम मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। क्या एक तरह का ये दरार भी देखा जा सकता है बीजेपी और शिंदे की सरकार में, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखें तो श्रीनगर जब एकनाथ शिंदे पहुंचे थे तो वहां उन्होंने अपनी पार्टी के अपने गुट के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी, एक रणनीति समझने की कोशिश की थी। 2024 में बड़े चुनाव अगर आप देखें तो राज्य में चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव, निकाय चुनाव, यहां पर बीजेपी और शिंदे सरकार साथ में लड़ने की घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें लगातार पहले से आ रही थी, लेकिन कैमरे पर ये मना करते आए हैं। जिन जिन लोगों ने देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा लगाया था और फिर दिल पर पत्थर रख के एकनाथ शिंदे जी को देवेंद्र फडणवीस जी के बजाय महाराष्ट्र का सीएम मान लिया था, आज वे सब लोग बहुत दुखी होंगे। इसके चलते महाराष्ट्र में भाजपा वर्सेस शिवसेना एंटरटेनमेंट अब शुरू हो गया है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विज्ञापन का बचाव करते हुए कहा है कि चुनावी नतीजे ये तय करते हैं कि वोटरों ने कौन सी पार्टी या फिर नेता का चुनाव किया है। शिंदे की शिवसेना का ये विज्ञापन ऐसे वक्त में आया है जब आने वाले चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस शिंदे गठबंधन में मतभेद की खबरें हैं। शिवसेना के इस विज्ञापन ने अटकलों को और हवा दे दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त क्या कुछ चल रही है, पूजा भारद्वाज की आपने रिपोर्ट देखी। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर ड्रेस कोड को लेकर एक कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर बातें चल रही है और उसको लेकर क्या आने वाले वक्त में और विवाद होता हुआ दिखेगा ये भी एक सवाल है, क्योंकि स्कूल में लड़कियों के ड्रेस कोड में बदलाव आज कर्नाटक में एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। कर्नाटक के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि यहां स्कूल की छात्राओं को स्कर्ट की जगह सलवार और पैंट ड्रेस के तौर पर पहनने की इजाजत दी जाए। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट की जांच कर छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। इस पर देखते हैं निहाल किदवई की रिपोर्ट। कर्नाटका का बाल अधिकार संरक्षण आयोग चाहता है कि लड़कियों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया जाए, यानी स्कर्ट की जगह सलवार और पैंट। हमने शिक्षा सचिव को लिखा है, वो इस पर विचार कर रहे हैं। हमारी सलाह है स्कर्ट की जगह सलवार सूट और पैंट को तरजीह दी जाए। आयोग के मुताबिक राज्य में अलग अलग जगहों पर छात्राओं और अभिभावकों से बातचीत के बाद जो इनपुट मिला उससे पता चला कि खासकर मिडिल और हाई स्कूल की लड़कियां स्कर्ट पसंद नहीं करती। गुलबर्गा के महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने भी स्कर्ट की जगह सलवार और पैंट की वकालत की है। हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, पर मैंने ये रिपोर्ट अभी तक देखी नहीं है। मुझे लगता है ये एक संवेदनशील मामला है, तो पहले मुझे रिपोर्ट देख लेने दीजिए और फिर हम छात्रों के हित में जो भी बेहतर होगा वो ही फैसला लेंगे। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 शिक्षा संस्थानों को ड्रेस कोड तय करने की इजाजत देता है,
ऐसे में शिक्षा संस्थानों को आयोग की सिफारिश पर एतराज है। उन्हें लगता है कि आयोग ने शैक्षिक संस्थानों को भरोसे में नहीं लिया। हमने शिक्षा आयोग से बात की है, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। यह सिर्फ रिकमेंडेशन है, कानून नहीं। ड्रेस कोड को लेकर ही कर्नाटका में हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी और इस पर जमकर राजनीति भी हुई। ऐसे में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ड्रेस कोड में बदलाव को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वो फिलहाल अपने 5 चुनावी वादों को पूरा करने की जद्दोजहद में उलझी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।